जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि संपूर्ण भारत के लिए बेहद ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि इस दर्दनाक खबर से 113 लोग की अब तक जान जा चुकी है और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 13,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो आइए इस पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं, आखिरकार यह खबर कहाँ की आ रही है। दोस्तों बता दें कि असम में बाढ़ के घर, सड़क और पुल, खेत सब कुछ तबाह हो चुके हैं। अब तक 113 लोग की मौत हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि असम में बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इसमें करीब 2.72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और कुल 12,929 बाढ़ प्रभावित लोग वर्तमान में 62 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि 14 राहत वितरण केंद्र 17,341 लोगों की सेवा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों बता दें कि वर्तमान में 2.72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और कुल 12,929 बाढ़ प्रभावित लोग वर्तमान में 62 शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि 14 राहत वितरण केंद्र 17,341 लोगों की सेवा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों बता दें कि असम में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण से लगातार वहां पर बाढ़ देखने को मिल रही है। दोस्तों बता दें कि बाढ़ से सड़क, खेत और पुल सब कुछ तबाह हो चुका है। अब तक 113 लोगों की जान जा चुकी है और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 13,000 लोग असम से दूसरे राज्य में बहा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि असम के लोगों को रहना मुश्किल हो चुका है, अपने घर में रहना मुश्किल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा तबाह हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि यही घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि वाराणसी में भी 80 घाट पूरी तरह से बाढ़ से डूब गया है। यानी कि यूपी, बिहार और इसके अलावा असम राज्य में यह घटना देखने को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे अलग अलग राज्यों में भी बाढ़ और भूकंप के भी झटके देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेहद दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि असम में लोगों को रहना मुश्किल हो चुका है और अब तक असम में 113 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम असम राज्य में पूरी तरह से तैनात किया गया है और जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हुए हैं उन सभी को दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी दुखद खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।